नमस्कार, एबीपी गंगा के वेब बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे सीतापुर की तीन बड़ी खबरों की। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। आपने अपनी मांगों को मनवाने के लिए तमाम तरीके देखे होंगे, लेकिन हम आपको सीतापुर में एक व्यक्ति द्वारा अपनाए गए एक नायाब तरीके को बताते हैं। दरअसल यह व्यक्ति पीएम आवास पाने के बाद अपना आवास न बनवा पाने से इतना क्षुब्ध हो गया कि वह पूरे परिवार को कफन पहनाकर मुख्यमंत्री के दरबार में निकल पड़ा। हालांकि वो जाता मुख्यमंत्री के यहाँ तक पहुँचता कि इससे पहले पुलिस की उस पर नज़र पड़ गई और पुलिस ने उसे समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। आपको बता दें कि कल्लू भुर्जी नामक यह व्यक्ति सीतापुर के कोतवाली बिसुआ के सांडा का रहने वाला है, जिसका आरोप है कि उसको पीएम आवास स्वीकृत हुआ था और वो न्यू भराई कर रहा था। इसी दौरान दबंग उसे मकान बनाने नहीं दे रहे हैं। इसकी उसने तमाम शिकायतें की, लेकिन कोई जब सुनवाई नहीं हुई तो उसने यह रास्ता अपनाया, पूरे परिवार को कफन पहनाया और एक ठिलिया पर बैठाकर मुख्यमंत्री के दरबार के लिए निकल पड़ा। इसकी सूचना बिसुआ कोतवाली पुलिस को लगी। सांडा पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर उसे समझाया बुझाया, उसके बाद उसे वापस उसके घर लौटा दिया है। अब हम बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर दरअसल केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर बढ़ाए गए 50 रुपये को लेकर आज कांग्रेसियों ने जमकर सीतापुर में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर को अपने हाथ में लिया और गैस सिलेंडर लेकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गए। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर गैस सिलेंडर लेकर कांग्रेसी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करने लगे। आज के प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य समीना शफीक और जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी कर रहे थे। इस बीच कांग्रेसियों ने कहा कि उनकी सरकार यदि आती है तो वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से आज कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और महंगाई को लेकर आज जमकर प्रदर्शन किया। अब हम बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर प्रसिद्ध मिश्रिक के 84 कोसीय परिक्रमा से जुड़ी हुई है, जो 18 अगस्त को समाप्त होगी। और आज जिला अधिकारी अनु सिंह, पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रमान मिश्रिक पहुँचे और मिश्रिक में मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि आज से जो परिक्रमार्थी हैं वो मिश्रिक के दधीज कुंड पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर पंच कोसीय परिक्रमा करते हैं और यहाँ से वापस होली के एक दिन पहले आग ताप कर वो अपने घरों को जाते हैं। 84 कोसी परिक्रमा में लाखों लाख की संख्या में साधु संत जुड़ते हैं और देश ही नहीं विदेश से भी साधु संत परिक्रमा में भाग लेने के लिए आते हैं। इस बीच होली जो है मिश्रिक का होली परिक्रमा मेला वो 18 अगस्त को समाप्त होगा। इस बीच कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और जिसमें तमाम कथक नृत्य से लेकर और इसके अलावा कवि सम्मेलन होता है, जिसमें देश के कोने कोने से बड़े पैमाने पर जो है कवि भी भाग लेते हैं और तमाम ऐसे कलाकार आते हैं जो अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। और होली परिक्रमा मेले को लाखों लाख लोग इसमें जुटते हैं। अब फिलहाल 18 अगस्त को ये परिक्रमा मेला समाप्त होगा। इस बीच कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें जानी मानी हस्तियाँ शिरकत करेंगी और नैमिष विकास धाम का गठन होने के बाद इस बार भव्य तरीके से मिश्रिक की 84 कोसी परिक्रमा आयोजित हो रही है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी हर रोज़ निगरानी कर रहे हैं और परिक्रमार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।